ऑल सेट फॉर द सरप्राइज टुमारो इंशाल्लाह। ये भी क्या सरप्राइज है ये मैं आपको कल ही बताऊंगी, बट ये है कि अभी आप ये देख लें कि जो ड्रामा आप मिनटों में देख के फारिग करते हैं, चैनल स्विच करते हैं, सुबह का 1 बजा हुआ है और हम अभी अपने अगले सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें कोई 3-4 बजेंगे यहाँ पे। सो ये मेहनत का काम है, शूट चल रही है मेरे दामाद की। आप लोग देख रहे हैं, अपना फीडबैक भी दें कैसा लग रहा है आप लोगों को ड्रामा। और ये एक इवेंट का सीन है, इवेंट मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे ट्विस्ट्स टर्न्स हैं और बहुत सिचुएशंस जो हैं वो हैपनिंग है हर दूसरे एपिसोड में। तो आई एम श्योर यू लाइकिंग इट, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत पसंद किया जा रहा है। सो गिव अस योर फीडबैक। 2 बज गए हम शूट पे हैं अभी तक। 4 नहीं बजेंगे भाई, नहीं चार नहीं बजेंगे। शुभ शुभ बोलो। मैं तो कल तक शूट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बहुत शौक है टिंग का। मुझे शौक है। अब कर लो शूट। फरान बेटा, आज इंजेक्शन लगा था तुमने? नहीं, बचपन से सारे कोई इंजेक्शन। उसी का तो असर अब हो रहा है। अब उसको अब पहुंची। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस? बहुत कुछ हुआ, मैंने आपसे शेयर करना है। कल मैं सुबह 3 बजे शूट से आई वापस घर, उसके बाद अभी मैं जहाज़ में हूँ और मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद, क्योंकि आज मेरी बेटी अनिया की बर्थडे है और उसे सरप्राइज़ देना है। और बहुत बड़ा ड्रामा किया हम लोगों ने। ड्रामा क्या किया है कि अनिया मुझे कह रही थी कि मम्मा आ जाएँ, शादी के बाद मेरी पहली बर्थडे है। और मैंने नबीहा ईमान को बता दिया था, मैंने कहा ये मेरा प्लान है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी शूट जो थी प्लान थी लाहौर में और इस्लामाबाद में, लेकिन वो शूट पोस्टपोन हो गई, आगे चली गई। वो भी एक और सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बताऊंगी जब वो प्रोडक्टिव होगा। उसके बाद मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी इस्लामाबाद जा रही थी, लाहौर की शूट जो थी वो गुजर खान, इस्लामाबाद पिंडी इधर शिफ्ट हो गई। तो आज का प्लान था कि जी आज हम मैंने टिकट लेके मैंने कहा कि मैं अनिया को सरप्राइज़ देती हूँ, तो मैंने अनिया के देवर उमर जो है उमर को मैंने ऑन बोर्ड लिया, उसके साथ शेयर किया कि मेरी फ़्लाइट है और मैं आ रही हूँ अनिया को सरप्राइज़ देने। तो उसको भी याद आ गया, उसने 12 बजे अनिया की बर्थडे सेलिब्रेट कर दी। कल मैंने अनिया को 12 बजे फ़ोन किया विश करने के लिए, तो कह रही है देखिए उमर ने किया सब कुछ। मैंने कहा उमर को मैंने आइडिया दे दिया। तो बहरहाल आई होप कि दिस सरप्राइज़ टर्न्स आउट टू बी अ गुड सरप्राइज़ फॉर अनिया, बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि मैं आऊँगी। मैं इसीलिए सुबह 7 बजे की फ़्लाइट लेके जा रही हूँ ताकि 9 बजे पहुँचूँ और वो ने सी उनका क्या रिएक्शन होता है। सो स्टे विद मी एंड अभी जाके लैंडिंग के बाद फूल लेते हैं अनिया के लिए और फिर घर जाके सरप्राइज़ दे। Set for the surprise. Omar is waiting for me at the airport, so we're gonna go buy the flowers and surprise him. पहुंच गए हैं, जहाज से बाहर आ गए हैं और अब हम उमर के पास जा रहे हैं, हनिया के देवर के पास। वो आया है मुझे लेने। फ्लाइट वॉज गुड, अच्छी, कंफर्टेबल, स्मूथ, ऑन टाइम। ज़बरदस्त फीलिंग होगी, पता नहीं आज जल्दी ना उठ जाए वो तो क्या होगा। अगर जल्दी उठ गई तो फिर मेरा सरप्राइज ना ख़राब हो जाए। चलें, लेट्स सी, विल एंजॉय इट, क्योंकि मेरी सुबह 3 बजे तक शूट थी और जब मैं घर आई हूँ थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ गुजारा है, पैकिंग की, पॉपी और बेला को थोड़ा टाइम दिया, बच्चे सोने चले गए क्योंकि आज वो गए हुए थे कराची ईट कल, तो हार्डली मैं ड्राइव करके वहाँ गई एयरपोर्ट और मुश्किल से मैं काउंटर पे पहुँची हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था और जब मैं जा रही थी तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आज अगर फ़्लाइट मिस हो जाती है तो अल्लाह की ही मर्ज़ी, कोई बात नहीं, बिकॉज़ आज ही मेरी शूट भी 3 बजे तक आनी थी और इवेंट के सीन्स होने थे, यूजुअली 10 बजे तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन
जब इवेंट्स होते हैं तो फिर देर तक चलती है, तो चले सामान लूँ। और उमर बाहर वेट कर रहा है मेरा। और उमर का वेट कर रही हूँ। आगे भी है पार्किंग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. What? Surprise mila ke nahi? अभी आई हूँ। क्यों दादू सुबह किसी पीलू ना अभी आई मानी नहीं। अच्छा मुझे लगा नहीं मैं कोई शेयर हूँ सऊदी अरब की कि दो दिन के लिए टिकट इतने महंगे खर्च करके ना अभी आई मान। थैंक यू उमर। हमजा नहीं क्या था? अच्छा मैं ही हूँ। तो तुमने काली जैकेट पहनी, इसने वो वाइट पहना हुआ था। क्या हैवी तो नहीं था? मैं खुद उठा के लेके गई हूँ एयरपोर्ट। आप रेस्ट करें फिर हम जाएं। नहीं तुम रख लो। सर सर बताओ क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या लगा? मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आप आएंगी शायद। सीरियसली मुझे लग रहा था मैं आपको इतना गिल्टी फील करा रही हूँ तो आप थोड़ा सा तो गिल्टी फील करके शायद आ जाएंगी, बट ये अभी इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा मैं बताती हूँ हुआ पता है क्या। मुझे पता है किस बात ने थोड़ा सा गिव अवे किया था आपके। तेल वाली जवानी की थी। नहीं, मैं ले आऊंगी। तेल वाली से भी थोड़ा सा किया था। और फिर उसके बाद हमजा ने आपको पता नहीं क्या बोला था कि मैं आपको यहाँ लेके जाऊंगा, तो आप आगे से बोलती हैं मुझे कहाँ लेके जाओगे, मैं कब आ रही हूँ, इतना फेक थोड़ा सा उससे लगा। अच्छा उससे। हाँ। अच्छा मैं आपको अब बैकग्राउंड बताती हूँ हुआ पता है क्या। मेरी आर्ट से लाहौर की डेट्स थी ना, उसका मुझे फ़ोन आया बंदे का, कहते हैं अब हम सात से पिंडी कर रहे हैं, पिंडी से शुरू कर रहे हैं सात से। ठीक है सुनो तो सही। तो मैंने कहा ओके। उसका जब मैंने उसे चार को मैसेज किया, मैंने कहा भाई मुझे होटल बताओ कौन सा होगा, टिकट का मुझे कॉपी भेजो, कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने आगे डेट्स ब्लॉक करके रखी हुई हैं। तो मुझे उसके बाद कहता है अभी कुछ चेंजेस हुए हैं तो अभी हम सात को नहीं करें 20 को। मैंने फिर सोच लिया, मैंने कहा मैं खुद ही चली जाऊँगी 7th को, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। सामने से जब मैं इतना बोल रही थी तो ड्रामा कर रही थी। हाँ ड्रामा सरप्राइज किसे कहते हैं। ड्रामा मजा आया मुझे वैसे।
वरना मुझे लग रहा था कि कहीं किसी ने भांडा ना फोड़ दिया हो कहीं। आपने वैसे सही बंदे को पिक किया सरप्राइज रखने के लिए, जो कुछ बोलता है। इंस्टाग्राम से मैंने इसका नंबर मांगा। सीरियसली? मैंने कहा मांग लेती क्यों, मांगती मैं, हम ना भी बोल देती, निगत को बता देती। प्लानिंग तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। लग जाए मुझे लगा नजर लग जाए, उम्र लग जाए। हाँ तो क्यों नजर लगे, ये कैसा रोमांटिक सॉन्ग है। उम्र लग जाए, मुरादें हो पूरी मरे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना। कभी जिंदगी में कोई गम ना आए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। जी जनाब, पर्पस सर्व्ड। अनिया का सरप्राइज जबरदस्त रहा और मैं सरप्राइज्ड। मेरी यही कोशिश थी कि इसको बिल्कुल क्लू ना मिले कि ये होने वाला है, इसीलिए मैंने सुबह सुबह नींद में सारी रात जाग के, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे चेंज करा लें, 1 बजे की ले लें फ्लाइट, आप तो 1 मिनट भी नहीं सोई। मैंने कहा नहीं, फिर पर्पस ही किल हो जाएगा, मुझे उसके उठने से पहले जाना है। सो आई एम हैप्पी दैट इट वॉज एक्चुअली अ सरप्राइज। So thank you so much. बहुत ही perfectly execute किया, वैसे I am impressed. Thank you. उमर को वैसे अगर आपने हमना से नहीं नंबर मांगा तो कहाँ से नंबर लिया? उमर को मैंने Instagram पे मैसेज किया। Instagram पे कहाँ से ढूंढा आपने उसको? हमने तो आज तक उसको कुछ नहीं लगाते देखा Instagram. कुछ नहीं लगाया, जीरो पोस्ट है उसकी, लेकिन उसने एक मेरी पिक्चर लाइक की हुई थी। तो फिर मैं गई, फॉलो बैक लिखा हुआ था, मैंने उसे फॉलो किया और मैंने उसे ढूंढा कि कौन सी पिक्चर उसने लाइक की थी, उस पर मैंने उसे मैसेज किया। आपको तो CID होना चाहिए। CID यस। तो उसका जवाब आया, उसने मुझे नंबर भेजा, फिर मैंने पार्टनर, ये मिशन है और हम दोनों ने इसे पूरा करना है। तो फाइनली हियर वी आर इन इस्लामाबाद विद द प्रिटी गर्ल, द वेरी कोल्ड, जहाँ आपको कोल्ड लग नहीं रही बिल्कुल। रात में टेम्परेचर तो अभी हो रहा है, रात में 2 डिग्री होता है। इट्स गोना ड्रॉप 14 डिग्रीज बाय नाइट टाइम। ओके यस, सो अगर आपको अभी दो दो थर्मल में मजा आ रहा है तो रात में आपको डेफिनेटली ठंड लगेगी। चलो देखते हैं। Let's see. चलें जी, होप यू लाइक द वीडियो एंड अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये सिर्फ एक रूटीन की बात नहीं है, इट्स अ मैसेज फॉर यू ऑल कि जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे प्यार करें, उनका ख्याल रखें, उनकी खुशी में आपकी खुशी है और आप उनको खुश रखें, अल्लाह आपको खुश रखेगा। थोड़ी बहुत बातों को दरगुजर करें, इग्नोर करें, जुड़ के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में विद दिस ब्रिटिक गर्ल। आपको हमेशा मेरी वीडियोस इतनी सारी जगहों पे लेके जाने में 2 दिन में आपको कहाँ कहाँ लेके जाऊँ, छोड़े ना, हम साथ ही चलेंगे कराची। नहीं ना, फिर हमने ये भी तो करना है, आपने आना है कराची, मैं तो ये 2 दिन आपके आपके साथ गुजारने के लिए आई। मैं नहीं लेके जाना है, आप मेरे साथ गुजारेंगे। चलें हम देखते हैं हमारी बहस कहाँ रुक रही है जाके। आप अपना ख्याल रखें एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।